नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार भारत चैनल के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टार भारत चैनल क्या डीडी फ्री डिश पर वापस आ रहा है। जैसा कि जो है अब कुछ यूट्यूबर लोग जो है इस पर वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले जो है एक यूट्यूब वाले ने जो है वीडियो बनाया, फिर उसके बाद में सभी लोगों ने जो है इस पर वीडियो बनाया। तो इसी के कारण जो है आप लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्टार भारत डीडी फ्री डिश पर आ रहा है या नहीं। हालांकि जो है अभी फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आई है, पहले हम आपको बता देते हैं। लेकिन जो है ये जो भी लोग बता रहे हैं ये सब जो है एक अनुमान के मुताबिक ही बताया जा रहा है। तो आपको हम फिर बताने वाले हैं स्टार भारत चैनल के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो स्टार भारत चैनल स्टार वन के रूप में सन 2004 में लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, स्टार भारत चैनल पहले स्टार वन था, जिसका आप देख सकते हैं स्टार वन चैनल जो 1 नवंबर 2004 को लॉन्च किया गया था और ये डीडी फ्री डिश के साथ ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद में ये 18 दिसंबर 2021 के दिन क्लोज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, ये एक पेड चैनल के रूप में ही लॉन्च किया गया था। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम आते थे। उसके बाद इसे लाइव ओके में रीब्रांड किया गया, जो कि आपको ये 18 दिसंबर के दिन ही लाइव ओके में चेंज किया गया। ये लाइफ ओके जब बना तब इस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल और थ्रिलर सीरियल आते, तब भी ये पेड चैनल था। उसके बाद में अगर बात करें, फिर लाइफ ओके के बाद ये रीब्रांड होकर स्टार भारत में बना। ये चैनल हमेशा रीब्रांड ही होता रहता है। अब स्टार भारत चैनल जो है आपका 28 अगस्त के दिन 2017 में लॉन्च किया गया और ये शाम को 6 बजे से लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ ये डीडी फ्री डिश पर भी लॉन्च हुआ। अब स्टार भारत हालांकि था तो एक पेड ही चैनल, फिर भी ये डीडी फ्यूज़ पर लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि इसको अच्छी खासी टीआरपी मिल सके। सभी नेटवर्क जानते हैं कि डीडी फ्यूज़ पर अच्छी टीआरपी मिल जाती है और इस पर काल भैरव, रहस, जीजीमा, निमकी मुखिया, शामदाम, दंड भैंस जैसे सीरियल भी शुरू किए गए, जो कि लाइफ ओके पर सीरियल आया करते थे, सभी लगभग बंद कर दिए गए। सावधान इंडिया जैसे सोच को छोड़कर और स्टार भारत डीडी फ्यूज़ पर काफ़ी अच्छी टीआरपी भी हासिल कर रहा था। जो नेटवर्क ने सोचा था, स्टार नेटवर्क ने, कि स्टार भारत को रीब्रांड, मतलब लाइफ ओके को रीब्रांड करके जो स्टार भारत के रूप में डीडी फ्यूज़ पर लॉन्च किया जाए तो इसकी टीआरपी अच्छी आएगी, वही हो रहा था। और लाइफ ओके की टीआरपी नीचे गिरती जा रही, इसीलिए उसे रीब्रांड किया गया। और स्टार वन की टीआरपी गिर रही थी, इसीलिए उसे भी रीब्रांड किया गया था। तो ये चैनल ने जन्म ही लिया रीब्रांड होने के लिए। फिर स्टार भारत चैनल जो डीडी फ्यूज़ पर चल ही रहा था, उसके अचानक से जो है ट्राई एनटीओ यानी कि ट्राई का नया टेरिफ ऑर्डर आ गया। लगातार अगर ट्राई का नया ऑर्डर नहीं आता तो शायद स्टार भारत आज भी आपको देखने को मिलता। तो सभी बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने फैसला लिया, स्टार उत्सव, जीएनमोल, सोनी पल के अलावा इनके फिल्मों के चैनल के साथ साथ जो है आपका स्टार फॉर फर्स्ट और स्टार भारत चैनल भी डीडी फिर से हटा लिया गया। अब बात आती है कि उसके बाद में सारे चैनल तो वापस आ चुके थे, फिर भी स्टार भारत नहीं आया, स्टार फॉर फर्स्ट भी नहीं आया। अब स्टार भारत की टीआरपी फिर भी लगातार गिरती जा रही है और इसके जो भी शो चलाए जाते हैं वो लगभग 3 से 4 महीनों में 6 महीनों में ही बंद कर दिए जाते हैं और इसको टीआरपी नहीं मिल पा रही। इसके लिए चैनल काफ़ी जो है मुश्किल में फंस चुका है। अब डीडी फ्री डिश पर ये अगर आना चाहे तो आ सकता है फिलहाल, अगर इसको अपनी टीआरपी पानी है, नहीं तो ये चैनल फिर से रीब्रांड या फिर से क्लोज ही कर दिया जाएगा। क्योंकि स्टार नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क चैनल है, तभी इसको चला रहा है। अगर ये सिंगल नेटवर्क का ही चैनल होता तो आज तक ये क्लोज हो जाता या डीडी फ्री डिश वापसी कर सकता था। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।